चलिए अब बात कर लेते हैं लोगों के जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो। अब ऐसे लोगों को कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, साथ ही हफ्ते के कौन से दिन से अपने कारोबार की ये शुरुआत करें, चलिए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 होगा। ये मूलांक 8 शनि का है। जिसका मूलांक 8 होता है ना, तो इतना किताब वालों ने 8 वालों के बारे में गड़बड़ लिख दिया है कि उसको पढ़ करके आदमी बहुत डिप्रेशन में जाने लगता है। लेकिन मैं अपना अनुभव आप सबको बताता हूँ, 8 नंबर इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, 8 नंबर वालों को पराक्रम करना पड़ेगा, 8 नंबर वालों को संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी पहचान अपने से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये शनि का मूलांक है। मेरा भी मूलांक 8 है। मैंने तो कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया कि मूलांक 8 कभी दुख देता है। हाँ, ये बात जरूर है कि 16 साल की उम्र से मशीन की तरह काम करना पड़ता है। विश्राम नाम की कोई चीज़ नहीं है, लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है। व्यक्तिगत आपके मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं बनेंगे, क्योंकि आप पैदा ही होते हैं मशीन की तरह काम करने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। इसलिए 8 नंबर को खराब, 8 नंबर उनका खराब होता है जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग आलस्य करते हैं, जो लोग आराम करना चाहते हैं, उनके लिए 8 नंबर खराब होता है। क्योंकि शनि का प्रभाव तभी पड़ेगा जब आप आलस्य करेंगे। ऐसे लोगों को ईंट, रेता, बजरी, लोहे से जुड़ा हुआ कारोबार, माइंस से जुड़ा हुआ कारोबार, ग्रेनाइट, मार्बल से जुड़ा हुआ कारोबार, लोहा, कोयला, गैस, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ कारोबार, लकड़ी का कारोबार, ये सब फायदा पहुंचाने वाला है। मूलांक 8 वाले जब भी अपना कारोबार शुरू करें तो गुरुवार या शनिवार का दिन चुनें। बिजनेस में हमेशा मुनाफा बढ़ता रहेगा और इसके लिए आपको अपने कार्यक्षेत्र में विश्वकर्मा की प्रतिमा रखनी चाहिए या महालक्ष्मी का चित्र लगा करके उनके सामने रोज हो सके तो एक कमल का फूल रखना चाहिए। कमल का फूल न मिले तो मानसिक रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।